ਭੁਲੇਖੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਸਾ ਨੋਵਾ ਕਾ ਬੱਚਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਿਓਰ ਇੰਪੋਰਟ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। 38 ਬੀਯੂ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋ। केरला में दे दिया, कितने का दिया? उसका ही फोन आता है केरला का कस्टमर का, भाई मैंने तो 40,000 में ले लिया। आपने कई कोर्सों देखे होंगे, किसका हाइट नहीं है, किसी का साइज नहीं है। देखिए हमारे रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ है जी, पेपर्स हम शेयर करेंगे, आप डीएनए टेस्ट करवा लें। तो ये थैंकफुल है हम कस्टमर्स का कि उन्होंने बिलीव किया। श्री साईं पेट्रोल के आज के वीडियो में मैं गुरदीप सिंह आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप आज हमारे साथ देख रहे हो, आज हम मोहाली में आए हैं मिस्टर कलसी जी। दो साल हो गए कलसी जी, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था 2 साल हो गए। 2 साल पहले हमने केन कोर्सों के वीडियो बनाए थे जिनमें मैंने वादा किया था कि मैं इनसे मिलूंगा, और ठीक है लेट हो गया, सॉरी, लेकिन आज मैं स्वागत करना चाहूँगा कलसी जी का। कलसी जी स्वागत है जी आपका। थैंक यू सो मच गुरदीप जी। तो आज जैसा कि आप देख रहे हो केन कोर्सों के बच्चे हमारे पास हो रखे हैं, ठीक है जी। तो प्रमोट नहीं कर पाए, थोड़ा लेट हो गए, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, मेरी हेल्थ में थोड़ा इशू थे, तो लेट होते 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 काफ़ी लेट हो गए। आज की डेट में ये बच्चे हो गए हैं कोई अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज़ के, फर्स्ट वैक्सीनेशन का हो चुका है, तो फाइनली वी आर गोइंग टू प्रमोट। तो आइए करते हैं बातचीत कलसी जी से। तो कलसी जी, सबसे पहले तो केन कोर्स हो या कैने कोर्स हो? कैने कोर्स हो। ओके, सही प्रोनाउंसिएशन इसकी, कैने कोर्स हो है। तो जैसा कि सबको पता ही है कि आपको बड़ी ब्रीड का शौक़ है, तो मैंने तो एक बार बताया था, मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहूँगा कि क्यों, आखिर और कब? देखिए ये जो जाइंट ब्रीड्स हैं ये बेसिकली फार्म हाउसेज के लिए हैं जी, गार्ड ब्रीड है जी, और इनका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये जैसे भी आप इनको ट्रेनिंग देते हैं ये उसी हिसाब से सेटल हो जाते हैं जी। ये बाकी ब्रीड की तरह नहीं है कि जैसे कि किसी को काट देना अचानक, किसी को मतलब कि पीछे पड़ जाना किसी के, अगर तो ट्रेनिंग अच्छी है आपकी तो ये मतलब कि कह सकते हैं कि टू दी पॉइंट काम करते हैं जी, और फुली फ्रेंडली विद किड्स, फैमिली के साथ। और मैं तो यही कहूँगा न्यू व्यूवर्स के लिए कि जो भी पेट लवर हैं, जो कोर्सों कैने कोर्सों का शौक रखना चाहते हैं, वो एक बार ट्राई करें, तो फिर आप खुद ही रिमार्क्स देंगे कि ये ब्रीड कैसी है। बेसिकली इसका ओरिजिन इटली से है जी। जी ट्राई तो ऐसे है, लास्ट मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो हम 30 से 35 कैन कोर्सों तो बेच ही चुके हैं। राइट सर। और कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरे पास, जितने मेरे से गए हैं वो तो मेरे को पता ही है कि हाँ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सभी का। इतने फ़ोन आते हैं कि पूछो ना कि हाँ भी हमें भी कैन कोर्सों चाहिए। बात रुकती है तो कहाँ रुकती है, सिर्फ प्राइस पे। तो प्राइस के बारे में मैं आपको ज़रूर पूछना चाहूँगा। देखिए गुरदीप जी, ये ऐसा है जो तो प्योर इंपोर्ट लाइनेज है, चैंपियन की, वर्ल्ड चैंपियंस हैं जी। तो देखें ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ इनके जी। आपने कई कोर्सों देखे होंगे, किसका हाइट नहीं है, किसी का साइज नहीं है जी। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये प्योर इंपोर्ट ब्लड है। ये देखिए इसके बच्चे जी। सो वेट बताएं इनका कितना, अभी एज भी मेरे को हाथ से उठाना मुश्किल हो रखा है। अभी कह लो कि मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं तो 9 से 10 किलो बड़े आराम से होगा जी। हेड साइज देखिए। तो यही है कि हम क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं जी, और क्वालिटी ही प्रोवाइड करने का मोटो है हमारा जी। जी तो कितना प्राइस, यानी कि हमने इस बार हमने कितना प्राइस सोचा है? सर देखें, एज अकॉर्डिंग टू लाइनेज वी हैव अ वेरी गुड लाइनेज जी। आप देख सकते हैं ये कैसानोवा का बच्चा है ये जी। इसका फादर जो है वो एक्स फैक्टर का सन है जी, इंडियन चैंपियन है। वेरी गुड, ठीक है जी। जी ये उसकी एग्जांपल आपके सामने है कि दैट काइंड ऑफ क्वालिटी वी प्रोड्यूस। वेरी गुड। हम तो ये भी कहते हैं कस्टमर डायरेक्ट हमारे पास आए, रहने की कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम जी। पर्सनली देखें पेपर्स, मदर फादर, देन डिसाइड करें जी। तो हम तो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि क्वालिटी देंगे आपको जी। जी कस्टमर से हम यही कहेंगे कि पर्सनली वो आ सकते हैं हमारे पास जी। जैसे हम नहीं कहते कि आप हमें फ़ोन करें, पिक्चर वीडियो हम डाल देते हैं, आप पैसे डाल दो, ऐसा नहीं है। पर्सनली आएँ, पर्सनली देखें, देन डिसाइड करें जी। तो हमारा तो ये मोटो है कि कस्टमर सेटिस्फाइड होकर जाना चाहिए, अच्छी बॉन्डिंग बनती है। जैसे हम पहले आपने बात की थी कि हमने कितने पब दिए जी, तो अभी तक जो पब आपने भी दिए हमने भी दिए जी, तो आगे से आगे क्वेरी मेंटेन है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्वालिटी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये थैंकफुल है हम कस्टमर्स का कि उन्होंने बिलीव किया जी और हमें सेवा का मौका दिया जी। जी जी क्वालिटी का तो ऐसे है ना सर कि मैं अभी अपने सारे सब्सक्राइबर्स को, जो नए देख रहे हैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा
कि 1.5 से 2 साल लग गए हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए, और वो क्यों लगे, क्योंकि नेक्स्ट लीटर हुआ ही नहीं इतनी देर, हुआ क्यों नहीं, क्योंकि हमने प्रोड्यूस ही नहीं किया। देखिए हमारे रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ है जी, हाँ हम तो जो भी काम करते हैं एग्जाम्पल के साथ करते हैं जी, कि कस्टमर के मन में कोई ऐसा ना रहे कि हम क्या बाय कर रहे हैं जी, क्या जेनेटिक हैं जी, पेपर्स हम शेयर करेंगे जी, आप डीएनए टेस्ट करवा लें जी, तो एवरीथिंग इज ओपन फॉर द कस्टमर जी 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 जी। ये बच्चे जो हैं जो हम देख रहे हैं, इसी के बच्चे हैं या कैसे? नहीं, ये इसके फादर के हैं। ओके ओके, ये सन है। ओके ओके, फादर हमारे फ्रेंड हैं जिसके पास है, इसका फादर कैसन हुआ, मिस्टर विपुल गोयल फ्रॉम अम्बाला। ओके, और तो उनसे हमने मीटिंग ली थी जी, तो ये सन हमने पर्सनली उनसे बाय किया था जी, तो रिजल्ट आप देख रहे हैं कि साइज़ क्या है, तो यही साइज़ आगे मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों की क्वालिटी आप वीडियो में देख सकते हो सर। कलसी जी इसको उठाना, उठा के दिखाना है। कितने दिन के हो गए कलसी जी एग्जैक्ट? ये अप्रॉक्सी 1-1.5 मंथ। 1.5, 45 दिन के हो गए। 45 जी। इसके हेड क्वालिटी देख सकते हो आप सर, कानों की क्वालिटी देख सकते हो, ठीक है जी। अब ये रेडी टू मूव है, तो अभी ये जहाँ पर भी आपको चाहिए हो हमारे व्यूवर्स को, वो हमें संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो केरला हो, कोची हो, बंगाल हो, कोलकाता हो, कहीं पर भी ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। वी डील्स आल्सो इन अब्रॉड्स। अब्रॉड में भी अगर किसी को चाहिए हो तो वहाँ पर भी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के हमारे पास फैसिलिटी अब अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू कलसी जी। तो कलसी जी और बताइए, और अपने केन कोर्सो के बारे में, अपने प्यार के बारे में आपने बताया नहीं कि इस ब्रीड के बारे में प्यार कैसे हुआ आपका? ये देखें मैं क्या बताऊँ इनके बारे में, देखें साथ बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, आप अननोन हैं इनके लिए। बिल्कुल, पर मैं बैठा हूँ। हाँ। आपको एक बार भी इन्होंने बाइट किया या एक बार भी बाक किया? ना ना, तो बस यही खासियत है इनकी कि ये फुली फ्रेंडली है, और मैं कहता हूँ एक बार ट्राई करें। तो बट लोग तो ज़्यादातर डरते हैं, कहते हैं नहीं कॉर्सो तो ह्यूज ब्रीड है, बड़ी ख़तरनाक है, नेट पे लिखा हुआ है, AKC ने लिखा हुआ है कि ये तो चीते तक भगा देते हैं या कैसे है, वो स्टोरी के बारे में भी थोड़ा नहीं, नहीं, ये सही है, ये सही है, ये मायथ है यूरोप का कि वहाँ पे चीते काफ़ी थे जी, तो पॉपुलेशन कम थी ह्यूमंस की जी, तो मैंने भी सुना है। हाँ। मैं आपको जो मुझे पढ़ा है सुना है, सुना है और पढ़ा जी, तो काफ़ी ब्रीड छोड़ी उन्होंने ये चीते वगैरह ख़त्म करने के लिए जी, तो नई बात बन पाई, उन्होंने 2 कोर्सो छोड़े, उन्होंने सफाई कर दी। इवन देन आपने सुना होगा, ये 1 से 1.5 के 2 साल पहले की बात है, MP साइड इवन देन जू से एक शेरनी भागी थी अपने बच्चों के साथ। अच्छा, तो न्यूज़ में भी आया था, पेपर में भी, टाइम्स ऑफ इंडिया में, और उन्होंने बताया था कि इसके लिए हैंडलर मंगवाए थे उन्होंने बाहर से, यूरोप से। ओके, तो उन्होंने आके ये हैंडल किया था केस सारा। अच्छा, तो बेसिकली ये गार्ड ब्रीड है, पर फुली फ्रेंडली है, अगर ट्रेनिंग आप अच्छी देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो जी मैं यही कहूँगा कि आप ट्राई करें। छोटे घरों में रखे जा सकते हैं, फ्लैट्स में, या एक्साइज कितनी चाहिए इनको? नहीं सर, ये फ्लैट्स में कामयाब नहीं है, क्योंकि ये जॉइंट ब्रीड है, ये स्पेस मांगते हैं। स्पेस मांगती है, स्पेस, एक्सरसाइज, वॉक, ये जरूरी है इनके लिए, अगर इनका लाइफ स्पैन रखना है अच्छा तो जी। तो मैं फ्लैट्स के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा जी, ये स्पेस मांगते हैं जी। और वेदर इनको कैसा चाहिए? जैसे अभी मेरे ख्याल में 43 डिग्री हमारे पास पंजाब में हो गया जी, तो किस वेदर में ये इजी इनके? देखिए सर, अकॉर्डिंग टू इंडियन वेदर ये सेटल हो चुके हैं वेदर के साथ जी। गर्मी तो कोई भी ब्रीड मांगती है जी, थोड़ा सा जून जुलाई में हमने देखना पड़ता है इनका, जून जुलाई अगस्त में, तो बाकी वेदर का कोई दिक्कत नहीं है। कितना लाइफ स्पैन इनका लगभग? बेसिकली 9 से 10 साल है। 9 से 10 साल, ये डिपेंड करता है आपकी डाइट कैसी है इनके लिए, आप कैसा इनको फीड करते हैं, एक्सरसाइज कैसी है इनकी, तो इस बेस पे लाइफ स्पैन बढ़ता है इनका। डिजीजेज जैसे कि हर डॉग में, हर ब्रीड में कोई ना कोई होती है, इनमें कोई खास ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है? देखिए इसमें एक चीज़ है कि स्किन की एलर्जी होती है जब वेदर चेंज होता है, जैसे अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, थोड़ा इनका ध्यान रखना पड़ता है इस वेदर में। ओके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इनमें। और मैं यही कहूँगा कि जो भी ब्रीडिंग कर रहे हैं, लाइन ब्रीडिंग ना करें, और सिस्टमेटिकली ब्रीड करें, तो ये फ्यूचर के लिए उनके लिए भी अच्छा है, और लॉन्ग टर्म वो काम कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर लाइन ब्रीडिंग होती है तो उसमें ये थोड़ी देर के बाद दिखने लग पड़ता है। कोई ब्रीडर नहीं बोलेगा कि मैंने ऐसा किया ऐसा किया, वो तो कहेगा परेशान कस्टमर होगा उसमें, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस चीज़ के बारे में। नहीं नहीं ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं ये इम्पोर्ट लाइन है या डायरेक्ट इम्पोर्ट है, कैसे है? जो इसका फादर है वो डायरेक्ट इम्पोर्ट है या क्या? इम्पोर्ट, इनका फादर डायरेक्ट इम्पोर्ट है जी, कैसे नोवा। हाँ। ये है जी सन ऑफ एक्स फैक्टर। ओके,
तो यह डायरेक्ट इम्पोर्ट है और इंडियन चैंपियन है, 38 BOB है उस पर। अच्छा, इंडियन चैंपियनशिप में। और ये एग्जांपल हमने आपको सामने दिखाई है 38 BOB। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा समझाइए कि क्या होता है, क्या चीज़ है BOB। बेस्ट ऑफ ब्रीड। बेस्ट ऑफ ब्रीड जी, क्योंकि हम एक देख सकते हैं, दो देख सकते हैं, 38 इट्स अ बिग गोल। 38 बार उसने विनिंग की है बेस्ट ऑफ द ब्रीड जी। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ द ब्रीड 38 बार वो ले चुका है, ठीक है जी। तो एक चीज़ मायने रखती है, ये बहुत बड़ी मायने रखती है जी। इंडियन चैंपियन है कि बाहर भी उसने विनिंग की? नहीं, इंडियन चैंपियन है। कुछ और कोर्सों के बारे में हमारे दोस्तों को कुछ आप बताना चाहें, कोई ऐसी हिडन बात को जो मान लो लोगों को कम पता हो? कई बार हम पंजाबी में कहते हैं कि लोगों को भुलेखे बड़े हैं, तो ऐसा कुछ डाउट उनका दूर करना चाहूंगा। गुरदीप जी, पंजाबी यही कहांगा कि भुलेखे तो उदों दूर होंगे जो आप किसी चीज़ में विचरते हैं, ठीक है जी। जी, जो आप ये ब्रीड नू रखांगे नहीं, हाँ, तो आप ये बारे समझ नहीं पावांगे कि ये किस तरह की हैगी है जी। कई बार बंदा डरिया होंदा है, कोई थर्ड पार्टी बोलते वो ये तो जी वट देंगे पाड़ देंगे, हाँ। सो इदा कुछ नहीं है, ये तुहाडे ते डिपेंड है, तुसीं ट्रेनिंग किदां दी करदे हो जी। और इनको देखकर मेरे को लग रहा है कि जैसे मुझे नहीं लगता इनके गले में कोई कॉलर है, और लीश तो कहीं मुझे नज़र ही नहीं आई, कॉलर तो कॉलर नहीं नज़र आया। क्या खुले ही रहते हैं क्या? सर, ये ट्रेंड ही ऐसे किए हुए हैं कि हमने कभी लीश डाली नहीं इनको। अच्छा, तो अभी तक हमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई, ना किसी कह सकते हैं कि आंड गुआंड में किसी ने बोला कि ये बिना लीश के घूमते हैं। कभी किसी को कोई इन्होंने बार्क नहीं किया, कभी किसी को काटा नहीं है। ये ट्रेंड ही ऐसे किए हुए हैं कि ये आराम से साथ घूमते हैं और साथ ही वापस आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। पर्सनली मैं अपने दोस्तों को, व्यूवर्स को, सबको बताना चाहूँगा कि मैं भी जब यहाँ पे आया, जैसा कि पहले भी इन्होंने बताया, तो मेरे को देखकर तो मेरे को एक बार डर लग गया। मैं कहा यार खुले छड्डे हुए की गल, तो बट ये कि उसके बाद इतने फ्रेंडली थे, मेरे को आके मिला ये टाइसन, टाइसन ही ना इसका नाम, तो टाइसन मेरे को आके मिला, कैसानोवा का जो बच्चा है। तो मैं कहा यार ये तो कमाल है, ये मदर है साथ में, ये पीछे आप देख सकते हो। तो बड़े प्यार से मिलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। पर्सनली मैं कहूँगा कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मैं ये कहूँगा कि जायंट जैसे लैब्राडोर्स हैं वैसे इनका बिहेवियर है, देखो कितने प्यार से बच्चे भी घूम रहे हैं, कितने कूल है। अदरवाइज़ कोई और ब्रीड होती वो इतना शोर मचाते हैं, कह लो कि बैठना मुश्किल हो जाता है जी, जी। तो दोस्तों, किसी को भी केन कोर्सो बच्चों की ज़रूरत हो, नंबर्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। एक इस वीडियो के साथ मैं आज एक नया एक शुरू करने जा रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं कि अलग से कहते भी कि वीडियो तो देख लिया, आप फोटोग्राफ हमें अलग से भेजिए, व्हाट्सअप कीजिए। तो उनके लिए गूगल ड्राइव का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसमें अलग से फ़ोटोग्राफ मदर फादर पपीज़ की सारी पड़ी हैं, आप आराम से देखिए और सीधा हमें ऑर्डर दीजिए कि हाँ जी ये बच्चा हमें को चाहिए, देखिए क्वालिटी देखिए, तो आपको फिर हम उस हिसाब से प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारी ज़्यादातर सेल जो है वो कहाँ पे, इनके इंडिया में मोस्टली कहाँ पर सेल हुए हैं? साउथ में डिमांड अच्छी है जी, जी, जी। साउथ में द पीपल आर वेरी डॉग लवर वहाँ की, सो वो बहुत लाइक करते हैं कोर्सों को। ओके, ओके, तो यही बात है, अपने नॉर्थ में कम है, कुछ पर्सन हैं जो लाइक करते हैं अपने नॉर्थ में, और ज़्यादातर तो बाहर ही आते हैं ये। जाते जाते हमारे व्यूवर्स को कोई ख़ास संदेश, कोई हमारा जो भी आप कहना चाहो? सो सर, क्वालिटी थोड़े सामने है जी। बिल्कुल जी, वो तो है। नंबर डिस्प्ले होंगे जी जी, और मोस्ट वेलकम है जी जी, तुसी रिंग करो जी, साढ़े को लाओ, मोस्ट वेलकम जी। सो मैं ही कहांगा कि कोर्सो जिहड़े शौक रखते हैं वो प्लीज़ बाय करो जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, आइए देखिए, दूर से आ रहे हैं, रहने की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, हम आपको आराम से आपका जो हॉस्पिटैलिटी है वो पॉप को अच्छी सी इनके प्रोवाइड करवाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आराम से देखिए बच्चे और लेके जाइए, और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई ब्रीड के साथ। और उम्मीद करते हैं कि कल सी सी जी हम किसी और ब्रीड के बारे में भी कई बार हम किसी दिन ज़रूर मिलेंगे। और कल सी जी, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू गुरदीप जी, सो काइंड ऑफ यू, तुसी आए, थैंक यू सो मच जी।